हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज शूटर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। लेकिन आज जो हम जो टॉपिक कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जिन भी लोगों को आगे जाके फाइनेंस में कैरियर करना है उनका ये एक तरीके का बेसिक टॉपिक है जो हर जगह यूज़ हो गई होगा। ये मेरी फर्स्ट यूनिट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। एग्ज़ाम में इससे एटलीस्ट एक ना एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। टाइम वैल्यू ऑफ मनी होने को बहुत छोटा सा आसान सा कॉन्सेप्ट है, बट अगर इसकी डिटेल में जाते जाओगे ये बढ़ता चला जाएगा। इस वाले लेक्चर में मैं सिर्फ इसका बेसिक कवर कर रहा हूँ जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है, एंड एक जस्ट एक रफ ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे कि आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको एंड इजीली सॉल्व कर। मैं बस इसके एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करे जाते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलता है आज की डेट में जो भी हमारे पास पैसा है उसकी वैल्यू सेम अमाउंट अगर एक साल बाद हमें मिले उससे ज़्यादा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया सुनने में, एक बार पहले लिख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। TVM is the concept that the money available at the present time is worth more than the identical sum in the future due to its earning capacity. इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आप लोगों के पास 1000 रुपये हैं। 1000 रुपये में आज आप मार्केट गए मैगी के पैकेट्स खरीदने। मैगी का आज का रेट है ₹12 पर पैकेट, इसको एक बार 1200 ले लेते हैं। तो आप लोग आज की रेट में कितने पैकेट लेके आ पाओगे? 100 पैकेट। बट यही चीज़ अगर मैं आफ्टर 1 ईयर करूं तो गारंटी है मैगी कुछ ना कुछ अपना रेट बढ़ा देगा। हो सकता है 12 का वो 15 कर दे। अगर 15 हो जाएगा तो आप लोग कितने पैकेट ले पाओगे? सिर्फ 80 पैकेट। अब यही कॉन्सेप्ट मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। ये क्या बोल रहा है? जो आज मेरे पास पैसा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है एक साल बाद वाले से, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो पैसे की बाइंग पावर कम हो गई। बाइंग पावर क्या होती है? देखा जाए तो पैसे कागज़ का टुकड़ा, अगर उसके बदले मेरे को सामान ना मिलता हो तो उसकी बाइंग पावर है जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर आप करेंसी देखो, डॉलर को क्यों ज़्यादा, डॉलर के नोट को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है? क्योंकि डॉलर की बाइंग पावर ज़्यादा है। सेम वही कॉन्सेप्ट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी मेरे को यही चीज़ बोल रहा है। आज की डेट में जो तुम्हारे पास है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी। अब वैल्यू क्यों ज़्यादा रहेगी? बहुत सारे रीजंस पढ़ते हैं हम लोग। एक तो हम लोग का डेफिनेशन में ही आ गया अर्निंग कैपेसिटी। भाई अगर 1000 रुपये में एक साल के अगर सिर्फ बैंक में ही रख देता तो मेरे को पक्का 3-4% का तो इंटरेस्ट ही मिल जाता। 100 के 104 रुपये तो वैसे ही हो जाते। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब वैल्यू ऑफ मनी क्यों डिक्रीज होती है वो वाले रीजंस देखते हैं। सबसे पहला इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन मतलब वही चीज़ हो गई भाई, रेट बढ़ गए, चीज़ें महंगी हो गई, बाइंग पावर कम हो गई। जैसे कि जो हमारे दादा परदादा होते थे वो क्या बोलते थे? भाई पहले तो मैं 10 रुपये में पूरा घर चला लेता था, आज 10,000 में भी नहीं चलता क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया, बाकी चीज़ों के रेट बढ़ गए, उस हिसाब से अगर हम लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी तो हम साथ में नहीं चल पाएंगे। सेकेंड, रिस्क इन्वॉल्व इन डिलेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब इससे क्या मतलब है? क्या क्या रिस्क हो सकते हैं भाई? जिससे मान लो तुम्हें पैसा लेना हो वो मर जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, उसकी नीयत बदल जाए, क्या कर लोगे? काफ़ी सारा फ्रेंड्स वगैरह के साथ आपस में होता है, फ्रेंड्स से ले लिए वो कभी वापस ही नहीं है अगेन, इसलिए वैल्यू कम हो जाती है मनी की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिलेड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अगर मैं इसकी जगह किसी और अपॉर्चुनिटी में उसको इन्वेस्ट करा तो वहाँ से मेरे पास और कितनी एक्स्ट्रा इनकम आती, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर मान लो यहाँ पे मैं बैंक के एग्जांपल देता हूँ, बैंक से 4% का रिटर्न आ रहा है तो 4 रुपये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कंजम्पशन, आज पैसा है आज मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, क्यों मैं एक साल का वेट करूँ? बाद में भी तो सेम ही मिल रहा है, हो सकता है सेम चीज़ मेरे को ना मिल पाए। तो ये सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम बेसिकली दो चीज़ों की बात करेंगे, दो तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। एक होती है फ्यूचर वैल्यू और एक होती है प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर का मतलब मैं कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूँ और प्रेजेंट का मतलब मैं डिस्काउंटिंग की बात कर रहा हूँ। इनके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इनमें सिर्फ 4 चीज़ों का यूज़ होगा सारे न्यूमेरिकल्स को। एक बार पहले वो लिस्ट कर लेते हैं फिर इनके न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, जिनमें एक आएगा PV, FV, R और T। PV मेरा प्रेजेंट वैल्यू, FV मेरा फ्यूचर वैल्यू, R मेरा होता है रेट, कंपाउंडिंग रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो, एंड T होता है मेरा टाइम पीरियड। T हमेशा मेरा ईयर्स में होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल्स अगर जब भी इसके करेंगे अगर मंथ्स में लिया तो उसे हमेशा पहले ईयर्स में कन्वर्ट करना।
टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सिंपल से दो फॉर्मूले हैं, देखा जाए तो दोनों सेम ही है बट फिर भी एक बार अलग अलग पढ़ लेते हैं। ये बोलता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू वन प्लस आर टू द पावर टी, और प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन वन प्लस आर टू द पावर टी। दोनों सेम फॉर्मूले हैं, बस इधर का उधर, उधर का इधर का है। इनके जब भी न्यूमेरिकल करो, एक टिप, टी हमेशा ईयर्स में रखना, मंथ्स में आए तो कन्वर्ट कर देना, एंड जो आर है वो हमेशा परसेंटेज में होता है, एंड परसेंटेज में होता है इसलिए हमेशा आर की जो भी वैल्यू दी हो उसे डिवाइडेड बाय 100 में लिखना। अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं फटाफट इसका। लेट्स इमेजिन दैट रमेश पुट 100 इन द बैंक फॉर 48 मंथ्स एट 5% रेट, फाइंड हाउ मच अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 48 मंथ। आसान सा बेसिक सा न्यूमेरिकल है। अब सबसे पहले रमेश ने 100 रुपये पुट करे आज की डेट में, तो मेरी 100 हो गई प्रेजेंट वैल्यू। अब उसने टी टाइम पीरियड दिया है 48 मंथ्स, 48 मंथ्स यानी कि मेरे को सबसे पहले ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 4 ईयर्स। रेट दिया है 5%, जो कि मेरा आर हो गया 5/100। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एफ इज इक्वल टू पी वी वन प्लस आर टू द पावर टी, इसका मतलब पी वी है मेरा 100, 1 + 5/100 टू द पावर 4 इक्वल टू 100, 1.05 टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 100। रमेश को एट द एंड 121 रुपये 50 पैसे मिलेंगे। सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे आसान से। तो ये था हम लोगों का अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट, मैं डेफिनेटली इसको सॉल्व करूँगा। एंड ऐसे ही हम लोगों को लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो। थैंक यू। Thank you.